तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं केलगरी के डाउनटाउन की ओर। तो डाउनटाउन में ये होता है कि जो भी गवर्नमेंट की ऑफिस होती है, उसके अलावा जो भी कंपनीज की हेड ऑफिस वगैरह होती है, वो डाउनटाउन के एरिया में होती है ज़्यादातर। और जस्ट अभी यहाँ पर रेड लाइट हुई है, तो आप ट्रैफिक रूल्स देख सकते हैं कि सामने की साइड से लोग, उनके लिए जब ग्रीन लाइट होती है तभी वो लोग रोड क्रॉस कर पाते हैं। तो अभी आप यहाँ पर ये 360 डिग्री व्यू देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ग्रीनरी है। इसके अलावा ट्रैफिक भी काफ़ी कम है, और जो भी लोग ट्रैफिक में चल रहे हैं वो बिल्कुल ही रूल्स को फॉलो करते हुए आगे जा रहे हैं। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूँ आपका दोस्त अनिकेत, और अभी मैं हूँ केलगरी के डाउनटाउन में। और मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये है क्रेसेंट हाइट्स लुकआउट पॉइंट, और यहाँ से जो व्यू दिखता है वो केलगरी डाउनटाउन का पूरा व्यू यहाँ से देखने को मिलता है। पीछे रिवर भी है, ब्रिज है, और केलगरी की सबसे बड़ी जो स्काईलाइन है वो यहाँ से बिल्कुल ही साफ दिखती है। और जो व्यू है वो तो काफ़ी अमेजिंग है, आप देख ही पाओगे। और आज टेम्परेचर भी काफ़ी अच्छा है। ये जो पॉइंट है वो काफ़ी हाइट पे है, तो यहाँ से पूरी स्टेज जाती है बिल्कुल नीचे तक, और वहाँ से फिर ब्रिज एक्सेस करके लोग वो ट्रेल के ऊपर जा रहे हैं। आप देख पाओगे कि वहाँ पर काफ़ी सारे लोग वॉकिंग कर रहे हैं, उसके अलावा एक्टिविटी कर रहे हैं, और देखने में व्यू काफ़ी अच्छा है। और उसके अलावा केलगरी अगर आप आ रहे हो तो यहाँ की फेमस चीज़ों में से एक यहाँ का डाउनटाउन है वो देखने लायक है। ये ट्रेल पूरी अच्छी है और यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा आता है। इसके अलावा केलगरी का ज़ू है, उसमें भी काफ़ी सारे एनिमल्स रखे हुए हैं, तो वो भी देखने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। और उसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स है, तो आप उसमें खाना खा सकते हैं। शॉपिंग करने के लिए भी यहाँ पर काफ़ी सारे अच्छे ऑप्शंस है, जैसे कि क्रॉस आयरन मिल्स है, तो वहाँ पर सारे फैक्ट्री आउटलेट्स है, तो वो सारे शॉप वहाँ पर अवेलेबल है, और शॉपिंग करने के लिए बहुत बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो अल्बर्टा का टैक्स है वो 5% है, और जो दूसरे प्रोविंस में टैक्स रहता है वो अराउंड 11% 13% 14% के आसपास रहता है। तो काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पर आते हैं तो यहाँ से शॉपिंग ज़्यादा कर लेते हैं, क्योंकि उसके ऊपर उनको टैक्स काफ़ी कम पे करना पड़ता है। तो आगे जाते हैं डाउनटाउन में और वो भी देखते हैं। और यहाँ पर कुछ मिल्क शेक और ऐसी भी फ्रेंचाइजी ऐसी शॉप काफ़ी फेमस है, तो वहाँ पर भी जाएंगे और उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। इसके पहले मैंने सास्काटून डाउनटाउन का एक वीडियो पूरा डिटेल में बनाकर मेरे चैनल के ऊपर पोस्ट किया हुआ है, तो आप चाहे तो सास्काटून का डाउनटाउन कैसे दिखता है और वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है वो सब उस वीडियो पर जाकर भी आप देख पाओगे, और ऊपर आई बटन से भी वो वीडियो आप देख पाओगे। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि जैसे बड़ी बड़ी ये जो बिल्डिंग्स है ये सास्काटून में देखने को नहीं मिलती है, और बोल सकते हैं कि केलगरी का डाउनटाउन है ये काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पर जो बिल्डिंग्स है ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है एज़ कम्पेयर टू सास्काटून। और ये सामने आप जो टावर जैसा देख रहे हैं वो है केलगरी टावर, जैसे टोरंटो में सीएन टावर है, जो आप टोरंटो में कहीं पर भी जाते हैं तो वहाँ से आपको विजिबल रहता है। इसी तरह ये जो केलगरी का टावर है ये केलगरी डाउनटाउन में ऑलमोस्ट हर जगह से विजिबल रहता है। अभी मैं केलगरी की बहुत ही फेमस एक जगह है पीटर्स ड्राइव इन करके, तो मैं अभी यहाँ पर आया हूँ क्योंकि यहाँ का जो मिल्क शेक है वो काफ़ी फेमस है, और वो लेने के लिए यहाँ पर काफ़ी बड़ी लाइन लगी हुई है। एक्चुअली में आप लोग खड़े हैं, ये लाइन तो आप इसमें देख ही सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये आप ड्राइव थ्रू की लाइन देख सकते हैं। आप पीछे देखिए, ये सारे के सारी जो कार्स है वो ड्राइव थ्रू के लिए, वो यहाँ से लेकर जो भी राइट लेन में खड़ी है वो सारे लोग
यहाँ पर ड्राइव थ्रू में ऑर्डर के लिए खड़े हैं। तो मेरा टर्न है, वो भी आधे घंटे बाद आया है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना फेमस होगा वो यहाँ पे। और अगर आप कैलगरी आ रहे हो तो ये एक अच्छी ट्राई करने की जगह है। तो हमने अभी मिल्क शेक ऑर्डर किया है, ओरियो चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी, और इसमें तीन फ्लेवर आप मिक्स करवा सकते हैं। और जो मेनू है उसकी फ़ोटो मैं साथ में दे रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं उसमें। तो दोस्तों अभी हमारा ये जो थिक मिल्क शेक है वो आ गया है, और ये है तीनों का कॉम्बो है, ओरियो चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी। और कल जब मैं नाइट को यहाँ पर आया था तो हमने ट्राई किया था वेनिला, पाइनएप्पल और पीना कोलाडा। और अभी इसको ट्राई करते हैं और आपको बताता हूँ कि ये कैसा लगता है। काफ़ी बढ़िया है, और ये इसकी जो थिकनेस है ये काफ़ी थिक रहता है, और इसकी जो प्राइस है वो $6 रहती है। और ये फिक्स है, आप मेनू में से कोई भी आइटम सिलेक्ट करो मिल्क शेक के लिए तो वो सिर्फ $6 की होती है। और कैलगरी डाउनटाउन में ये जो फेस आपको दिख रहा है ये एक सेल्फी पॉइंट है, तो लोग यहाँ पर आकर अपनी फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाते हैं। लेकिन इस जगह पर मुझे पार्किंग नहीं मिल पाई, तो वहाँ पर जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो बस यहाँ से ही देख लेते हैं और चले जाते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, आपने दिन का जो यहाँ का व्यू है ये तो आपने देख ही लिया है, लेकिन अब नाइट ड्राइविंग आप देखते हैं यहाँ पर कि नाइट में कैलगरी डाउनटाउन का व्यू कैसा है। एक्चुअली ये ड्राइव थ्रू में मैं अभी जा रहा हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ऑफिसेस है उनकी जो लाइट्स है ये देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। यहाँ पर जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई है, तो उसकी वजह से ये जो रोड्स है ये आपको गीले दिख रहे होंगे, और ये जो स्काईलाइन दिख रही है ये भी थोड़ी सी डल दिख रही है। अगर यहाँ पर बारिश ना होती तो वो देखने में काफ़ी क्लियर लगता। आज सुबह जब मैं डाउनटाउन जाने के लिए निकल चुका था तो ये जो डाउनटाउन स्टार्ट होने से सिर्फ 2 किलोमीटर पहले का व्यू पड़ता है, ये आप देखिए कि कितना अच्छा है, ट्रैफिक को कितने अच्छे से फॉलो किया जाता है, और जो स्पीड इसकी लिखी हुई है बस उसी स्पीड पे ही चलानी होती है। और यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक मेट्रो रेलवे स्टेशन है, तो ये भी आप देख पाओगे। तो यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है ये काफ़ी अच्छा है, सिर्फ मेट्रो नहीं है, इसके अलावा यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस भी है, और ट्रांसपोर्टेशन के मामले में ये काफ़ी अच्छा सिटी है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे हम बेंफ नेशनल पार्क की ओर, और वहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे रॉकी माउंटेन और वहाँ पर आया हुआ केनमोर और बेंफ टाउन। तो दोस्तों, बने रहे इस वीडियो पर मेरे साथ, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।